नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारा दूसरा टॉपिक है भारत चीन संबंध और इंडिया चाइना रिलेशंस में मैं दौलत खान इंस्टीट्यूट की ओर से आपको मेंस के पॉइंट से और फाउंडेशन के पॉइंट से इस टॉपिक को कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। हम लेटेस्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे, चीन की ओर से एक तो मोतियों की धागा रणनीति क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है, नंबर वन। नंबर टू, MSR क्या है, मैरिटाइम सिल्क रूट क्या है, SREB क्या है, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है, OBOR वन बेल्ट वन रोड क्या है। ये सब मोतियों की धागा रणनीति को हम पढ़ते हुए समझेंगे और इसी में एक पॉइंट आएगा, कराकोरम हाईवे का निर्माण। सेकेंड जो है, इंडिया जो है चाइना को काउंटर करने के लिए, टू काउंटर बैलेंस टू चाइना, भारत भी एक रणनीति अपना रहा है। उस पॉलिसी को हम एशिया प्रशांत रणनीति के नाम से जानते हैं, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से उसको हम जानेंगे। उस एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत भारत किन देशों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करेगा, तो उसमें आएगा एशिया और अफ्रीका के, स्पेशली वो देश जो कहां पर है, हिंद महासागर में, जैसे जैसे आपका आएगा एशिया महाद्वीप की श्रीलंका, मालदीव, ये तो हिंद महासागर में है, प्लस कोको म्यांमार का, बांग्लादेश जो लगता हुआ है, अफ्रीका के दो तीन देश हैं जैसे सेसेल्स और मॉरिशस। यहां पर एक 15 वर्ड्स में क्वेश्चन आपका सेसेल्स का एजम्पशन द्वीप भी आ सकता है जो अभी चर्चा में चल रहा है, तो हम साथ साथ में मेडागास्कर के ऊपर इस एजम्पशन आइलैंड पर भी चर्चा कर लेंगे कि एजम्पशन आइलैंड चर्चा में क्यों है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन समझाना चाहूंगा कि चीन जो है, चीन के साउथ में दक्षिण चीन सागर है। अगर चीन को साउथ एशिया या वेस्ट एशिया या अफ्रीका महाद्वीप में कहीं भी जाना हो, तो वर्तमान में वो किस जलसंधि का प्रयोग करता है, मलक्का जलसंधि। मलक्का जलसंधि जो है वो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है और साउथ ईस्ट एशिया को बाकी देशों के साथ और चीन जापान को भी अफ्रीका, वेस्ट एशिया और भारत के साथ जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो एक तो आपका क्वेश्चन यह आएगा, चीन मलक्का के विकल्प रूप में किस रणनीति को अपना रहा है। मलक्का विकल्प का मतलब क्या होगा, मलक्का अल्टरनेटिव, मतलब वो इस रास्ते से ना आए और कोई दूसरा रास्ता अपनाए। इसी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहला क्वेश्चन आपका होगा, आपसे अगर ये पूछे कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है, व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, तो आप ब्रिटिश का जवाब कैसे दोगे, मोतियों की धागा रणनीति क्या है। पहले मैं इसको बोलना चाहूंगा, ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है, दिस इज द पार्ट ऑफ चाइनाज फॉरेन पॉलिसी। ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक फैले हुए द्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने तीन उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। नंबर वन, उसका पहला उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमी को फोकस करना, टू फोकस ग्रीन ब्लू इकोनॉमी किसको कहते हैं, जो देश समुद्र में है उनकी अर्थव्यवस्था को किस नाम जानेंगे, ब्लू इकोनॉमी। नंबर दो, हिंद महासागर में सामरिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करना, दूसरा ऑब्जेक्ट इसका होगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर नियंत्रण और स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर। और चौथा जो है, भारत जैसे प्रतिद्वंदी देश को समुद्री क्षेत्र में घेरना। तो आपसे अगर ये पूछे मोतियों की धागा रणनीति क्या है, अगर क्वेश्चन आपके पास में 50 वर्ड्स में आए कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है, व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, तो ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक फैले हुए द्वीपीय देशों के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित करके अपने तीन उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। नंबर वन, ब्लू इकोनॉमी को फोकस करना। नंबर टू, हिंद महासागर में अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत बनाना। और नंबर थ्री, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर नियंत्रण करना। और चौथा, भारत जैसे प्रतिद्वंदी देश को
चारों ओर से और स्पेशली समुद्र में घेरना। इस पॉलिसी को हम क्या कहेंगे, मोतियों की धागा रणनीति, पहला पॉइंट। अब उसके बाद में दोस्तों आपके पास में सेकंड क्वेश्चन जैसे आए, सेकंड क्वेश्चन वो है MSR। MSR क्या है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे MSR क्या है, मेरिटाइम सिल्क रूट क्या है, तो मेरिटाइम सिल्क रूट में आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले ये मोतियों की धागा रणनीति का ही अभिन्न अंग है, जिसके अंतर्गत चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक, स्पेशली हिंद महासागर में फैले हुए द्वीपीय देशों के अंदर कई ऐसे बंदरगाहों का पुनर्निर्माण कर रहा है, ताकि अपने जलमार्ग को सुव्यवस्थित करके मलक्का जलसंधि का विकल्प ढूंढ सके। इसी के अंतर्गत वह म्यांमार के कोको द्वीप, बांग्लादेश का चटगांव, श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव का माले, कोमा सेसेल्स, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, और इसके माध्यम से उसका जो रूट समुद्र में बन रहा है उसी रूट को मैरीटाइम सिल्क रूट की संज्ञा दी गई है। ये पहला पॉइंट। नंबर दो, नंबर दो आपसे पूछे कि SREB क्या है। SREB तो पहले इसको समझना, SREB क्या है, इसको हम कहेंगे सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट। सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है, तो इससे पहले थोड़ा आप हिस्ट्री में जाइए। चीन को यूरोप से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण हाईवे था, उस हाईवे को इतिहास में सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। वो इतिहास में किस नाम जाना है, सिल्क रूट। अब आपसे क्वेश्चन पूछे सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है, तो उत्तर होगा चीन यूरोपियन देशों कोमा रसिया कोमा मध्य एशिया देशों के साथ पुनः प्राचीन काल में स्थापित संबंधों की तरह एक नए रूट का निर्माण कर रहा है, जिसके तहत इस रूट पर वो अनेक नए सिटी प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, कॉरिडोर्स का निर्माण कर रहा है। उसी को नाम क्या दिया गया है, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट। तो एक बेल्ट तो उसका हुआ MSR जो समुद्र में है, दूसरा जो लैंड पार्ट पर है उसका नाम क्या है, SREB। ये एंशिएंट एज से है, इसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब आप यहां पे देखो, अगर हमने यहां से मलक्का के इधर लिया तो चीन कोको चटगांव हम्बनटोटा माले और सेसिल्स होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का पुनर्निर्माण कर रहा है। यहां से पाकिस्तान से एक हाईवे का निर्माण हो रहा है जो इस प्रकार से आगे जाएगा और यह सिल्क रूट से जुड़ जाएगा। अब यह जो सिल्क रूट जा रहा है, इसको यहां से चीन जाने के लिए यह भारत के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरेगा। इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरने वाले इस हाईवे का नाम काराकोरम हाईवे है, मतलब इनडायरेक्टली चीन भारत के भू क्षेत्र से गुजर रहा है, और वह भू क्षेत्र उसको उपलब्ध किस देश ने करवाया, पाकिस्तान ने। अगर हम पाकिस्तान की पॉइंट से देखें तो पाकिस्तान इस काराकोरम हाईवे के माध्यम से सीधा चीन के सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट से जुड़ रहा है, और इसी के अंतर्गत चीन जो है पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको दो पॉइंट मैं समझा चुका हूं, नंबर वन मोतियों की धागा रणनीति, और नंबर टू जो है MSR और SREB। अब आप एक साथ देखिए, अगर हम यहां से स्टार्टिंग करें कि चीन मलक्का जलसंधि के विकल्प के रूप में कोको चटगांव हम्बनटोटा माले ग्वादर से काराकोरम हाईवे और उस हाईवे को पूरा सिल्क रूट के साथ जोड़ देगा, तो जो नई संकल्पना पेश होगी उसी को हम कहेंगे OBOR। ये पूरा एक हो गया, ऐसे वन बेल्ट वन रोड, ये प्रोजेक्ट जो है वन बेल्ट वन रोड के रूप में होगा। मतलब क्या होगा, जब MSR प्लस SREB कर दोगे तो मिलके क्या हो गया, ओबोर। इसी को चीन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम दिया जा रहा है ओबोर, और लेटेस्ट जो ओबोर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने भाग नहीं लिया, 50 से अधिक देशों ने भाग लिया लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। उस विरोध का मेन कारण था भारत के
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कराकोरम हाईवे का गुजरना, जबकि अधिकृत कश्मीर भले ही पाकिस्तान के पास में हो लेकिन वो हमारा हिस्सा है, इसलिए भारत ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ओबोर में भाग नहीं लिया। तो यहां पर चीन से रिलेटेड चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मोतियों की धागा रणनीति क्या है? नंबर टू, MSR क्या है? नंबर थ्री, SREB क्या है? ओबोर क्या है? जब आपको सीधा क्वेश्चन 100 वर्ड्स में ओबोर पे पूछे, तब उसकी शुरुआत आप कहां से करोगे? मोतियों की धागा रणनीति से। मोतियों की धागा रणनीति, MSR, SRB और फिर फाइनली OBOR। अब भारत जो है, क्वेश्चन अगर ये पूछे कि एशिया प्रशांत रणनीति क्या है, तो हम इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि चीन की मोतियों की धागा रणनीति एवं मेरीटाइम सिल्क रूट को प्रति संतुलित करने के लिए भारत जिस रणनीति को अपना रहा है उसे एशिया प्रशांत रणनीति, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रेटजी के तहत भारत एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के वे देश जो हिंद महासागर में स्थित है उनके साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित कर रहा है, जैसे श्रीलंका, मालदीव, सेसेल्स, मॉरिशस। मॉरिशस को लघु भारत भी कहा जाता है, यहां 48% PIO है, भारतीय मूल के लोग हैं, इसलिए इंडिया इस देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। भारत जो है सेसेल्स के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। भारत ने 2 ड्रोनियर विमान सेसेल्स को दिए हैं और प्लस सेसेल्स का एक आइलैंड है एजम्पशन जो हिंद महासागर में स्थित है। इस आइलैंड को नौसैनिक केंद्र के रूप में इसका विकास, दोनों देश नेवल सेंटर के रूप में इसका विकास दोनों देश मिलकर करेंगे, ताकि स्ट्रेटजिकली सामरिक रूप से चीन को इस क्षेत्र में प्रति संतुलित किया जा सके। साथ ही साथ भारत श्रीलंका और मालदीव को भी बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये तो हो गया अपना हिंद महासागर। अगर चीन को काउंटर करना है तो हमें चीन के क्षेत्रों में पहुंचना होगा। इस क्रम में दक्षिण चीन सागर, जो वर्तमान में एक विवादित क्षेत्र है और जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं, भारत वियतनाम के माध्यम से तेल का उत्खनन दक्षिण चीन सागर में कर रहा है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, और चीन ने भारत का विरोध किया है। तो चीन जब भारत का विरोध करेगा तो हम कहेंगे, अगर हम आप हमारा यहां विरोध कर रहे हो तो हम भी आपका यहां पर विरोध करेंगे। ये क्या हो गया? काउंटर बैलेंस। तो एक तो दक्षिण चीन सागर में भारत वियतनाम के माध्यम से यह कार्य कर रहा है। सेकंड, भारत आसियान देशों के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित करके और इन देशों के साथ मिलकर भी चीन को काउंटर बैलेंस कर रहा है। थर्ड, भारत ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विदेश, जस्ट यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आ गया और इसके बहुत सारे ये द्वीपीय देश हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक देश है जहां पर 42% इंडियंस है, PIO है, जिसको हम कहते हैं फिजी। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 14 देशों के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं फिपिक। आपसे क्वेश्चन पूछे कि फिपिक क्या है, तो फिपिक का पूरा नाम होगा फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन। मतलब भारत ने प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जिस संगठन की स्थापना की है उसे फिपिक कहते हैं। फिपिक का पहला समिट जो है 2014 में फिजी की राजधानी सुवा में हुआ और 2015 में फिपिक का दूसरा सम्मेलन जो है वो जयपुर में 2015 में हुआ। और भारत इन देशों के माध्यम से भी चीन को प्रति संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ जापान के साथ इसी मुद्दे पर भारत की कई इश्यूज के साथ 2+2 का डायलॉग चल रहा है, 2+2 वार्ता चल रही है। तो दोस्तों, ये हमारा चीन के साथ संबंधों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे दौलत खान इंस्टीट्यूट के साथ। ओके।